राजधानी दिल्ली के एमसीडी स्कूल से एक भयावह खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पांचवी क्लास के बच्चे को टीचर ने एक पहली मंजिल से फेंक दिया। जी हां, दिल्ली के एक प्राइमरी स्कूल की टीचर की हैवानियत सामने आई है। एमसीडी स्कूल की दो महिला टीचर्स ने आपसी झगड़े में पांचवी क्लास की बच्ची को पहले पेपर कटर से मारा, फिर पहली मंजिल से फेंक दिया। इसमें बच्ची के सिर पर चोट आई है, जिसका इलाज हिंदूराव अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बच्ची को टीचर ने फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया। इस जानकारी के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची। पुलिस को मौके पर पता चला कि फिल्मिस्तान के मॉडल बस्ती इलाके का ये पूरा मामला है। आगे आपको बता दें, घायल बच्ची के सिर में चोट आई है, उसे इलाज के लिए हिंदू राव अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसके हालात खराब है। आरोपी टीचर को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। गवाहों के बयान के आधार पर टीचर के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत केस भी दर्ज कर दिया गया है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।